अमेरिका से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप सकती है। ये मामला इस मासूम बच्चे से जुड़ा है। दावा है कि इस बच्चे के मकान मालिक ने इस वजह से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि वो मुस्लिम था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक आरोपी ने इस बच्चे के साथ साथ उसकी माँ पर भी हमला किया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले पर इल्लिनॉय में विल काउंटी शेरिफ के ऑफिस से जारी शुरुआती बयान में कहा गया कि डिटेक्टिव को ये पता चला कि संदिग्ध ने इस बर्बर हमले में दोनों पीड़ितों को मुस्लिम होने और मौजूदा इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से निशाना बनाया। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के शिकागो चैप्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद रेहब ने अपने हिसाब से इस मामले की पूरी कहानी सुनाई है, आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान दिखा देते हैं। इस मामले पर बाइडेन ने कहा है, नफरत के इस भयावह कृत्य के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है, ये हमारे बुनियादी मूल्यों के खिलाफ है। चलिए अब आपको अहमद रेहब का बयान सुनाते हैं। The ex-wife, the mother of the boy and the boy were in their unit, basically they're renting a floor in the house of this man who committed this crime. When he knocked on their door, she opened it. He had knocked on the door many times before. She had no reason to suspect anything. And when he opened the door, he proceeded to choke her, the mother, who's 32 years old, her name is Hanan, and attempted to stab her. And she ran into the bathroom and called 911. And by the time she came out, he had located and murdered her child, 6-year-old Wadia, by stabbing. This all happened in seconds. I know this because she texted this information to the father, who shared the texts with me and said that he knocked on the door and that he attempted to choke her and said, "You Muslims must die." आपको बता दें कि हाल ही में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर भयानक हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की, तब से इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है।